गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्टार एजुकेशन आप सभी के लिए एसएससी एमटीएस की जो प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस पेपर है वो लेके आ चुका दोस्तों। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, जो प्रीवियस ईयर के अंदर पूछे गए प्रश्नों का एनालिसिस लिखा है, 25 में से कितने राइट कर सकते हैं, 25 में से 25 राइट करने का टारगेट है और आपके 25 में से कितने सही होंगे इस का वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए दोस्तों कि मेरे 25 में से कितने राइट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल में किस फसल बोई जाती है। फसल के बारे में पूछा गया कि कौन सी फसल सबसे ज्यादा बोई जाती है। जल्दी से प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में करेंगे। राइट आंसर इज धान। क्या है? धान। दोनों प्रश्न देखेंगे। हुमायूं नामा के लेखक कौन है? चलिए बताइए, हुमायूं नामा के लेखक कौन है दोस्तों। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन के ऊपर दे रखे हैं और अपना नाम, अपने राज्य का नाम और कोर्स के बारे में जरूर बताइए और हमारी टीम आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जोड़ देगी। वहां पर पीडीएफ नोट्स वगैरह आपको मिलते रहेंगे। दो नंबर प्रश्न का राइट आंसर है गुलबदन बेगम। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है दोस्तों। हमारी टीम के द्वारा आप सभी के लिए 25 मॉडल पेपर सेट निकाले। कितने निकाले? 25 मॉडल पेपर सेट है और 25 मॉडल पेपर सेट दोस्तों आपके नए सिलेबस का एग्जाम की दृष्टि से और दोस्तों हमारी टीम की ओर से मात्र 140 रुपए में। कितने में? 140 रुपए में 25 पेपर सेट 80% डिस्काउंट के साथ दे रही है। तो अधिक जानकारी के लिए 94-61-041-363 ये व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे कि सर मुझे प्रैक्टिस सेट लेना है, इसका स्क्रीनशॉट भेजकर व्हाट्सएप कर लेना है और अपना नाम, अपने राज्य का नाम जरूर लिखिए कि हमारी टीम आपको सपोर्ट करेगी और परीक्षा से पहले प्रैक्टिस। इसमें ऑल इंडिया रैंक बताई जाएगी दोस्तों। ऑल इंडिया रैंकिंग, यानी आपकी रैंकिंग क्या है पूरी इसके अंदर डिटेल से बताई जाएगी। आपसे ऊपर कितने स्टूडेंट हैं, आपसे नीचे कितने स्टूडेंट हैं, कितने सही हैं, कितने गलत हैं, पूरा एनालिसिस प्रक्रिया बताई जाएगी अगर आपको ज्वाइन करना है दोस्तों। और परीक्षा तक दोस्तों एक ही शुल्क है। परीक्षा जब तक आपकी परीक्षा है, तो आपकी परीक्षा जुलाई के अंदर होने वाली है और जुलाई तक आपका एक ही फीस है, 140 रुपये परीक्षा तक का, 80% डिस्काउंट दे रखा है। तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करें। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। रूपांतरण, देखिए रूपांतरिक चट्टानों की उत्पत्ति पूछी गई है दोस्तों। जो रूपांतरिक चट्टानें होती है उसकी जो उत्पत्ति है आग्नेय और उत्छल दोनों से। अब दोस्तों उत्छल क्या है? आग्नेय औषधि, इसे उत्छल ये ध्यान रखना, औषधि तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, दोनों एक ही है, इन चीजें प्रश्नों को ध्यान में रखना है। चलिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ किस भारतीय ने वायसराय की कार्य करने से इस्तीफा दे दिया गया था। यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड, यस दोस्तों ये जो पंजाब के अंदर है, वर्तमान की बात करें पंजाब के अंदर है। जल्दी से प्रश्न का उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में करेंगे। तो इसका राइट आंसर सर शंकर नारायण, ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर है। और रोजाना हमारा सुबह 9 बजे वीडियो अपडेट होता है। कितना बजे दोस्तों? सुबह 9 बजे आपका वीडियो हमेशा अपडेट रहने वाला है, एसएससी एमटीएस का मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर्स वगैरह सब कुछ। भारत का सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र कौन सा है? 5 नंबर प्रश्न का भारत में सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र वाला राज्य पूछा गया है तो वह उत्तर प्रदेश। कौन सा है दोस्तों? उत्तर प्रदेश आपका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। किलिमंजारो पर्वत शिखर किस देश के अंदर है दोस्तों? किलिमंजारो, यह सवाल एसएससी एमटीएस के अंदर बार बार पूछा जा रहा है। राइट आंसर इज तंजानिया। क्या है? तंजानिया आपका राइट आंसर है। चलिए देखिए, एलिफेंटा पास दोस्तों, एलिफेंटा पास कहां स्थित है बताएं जल्दी से। 7 नंबर प्रश्न, एलिफेंटा पास है वो थाईलैंड के अंदर। कहां है दोस्तों? थाईलैंड आपका राइट आंसर, थाईलैंड। एलिफेंटा पास कहां है? थाईलैंड के अंदर है। मरे, क्या बात है दोस्तों, मरे। एक है डार्लिन दोस्तों, ये ध्यान रखना, डार्लिन ये दोनों नदियां हैं
और ये किस कहाँ बहती है? यस, ऑस्ट्रेलिया के अंदर बहती है। कहाँ बहती है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया के अंदर बहने जाने वाली नदियां है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला देखिए, शिव समुद्र पन विद्युत, देखिए पन बिजली परियोजना किस नदी पर है दोस्तों? शिव समुद्र पन विद्युत परियोजना है वो कहां पर है दोस्तों? शिव समुद्र, यस कावेरी नदी, कहां है? कावेरी नदी पर है, ये ध्यान रखना, कावेरी नदी। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? अच्छा प्रश्न है, 10 नंबर प्रश्न, बताइए जल्दी से, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? यस राइट आंसर 1966 से 67 के अंदर हुई थी। चलिए दोस्तों, भारत में किस राज्य में निर्धनता दर सबसे अधिक है? अब सवाल पूछा निर्धनता के बारे में पूछा गया, बताएंगे जल्दी से दोस्तों। 11 नंबर प्रश्न का, निर्धनता सबसे ज्यादा उड़ीसा है और उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, भुवनेश्वर। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है, बिहार की राजधानी पटना है और असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है महान्यायवादी। कौन है? महान्यायवादी आपका बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर एक महान्यायवादी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए अगला देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग? दोस्तों सवाल अच्छा प्रश्न है, सवाल पूछा है लोक सेवा आयोग, जिसे हम बोलते हैं यूपीएससी। क्या बोलते हैं? यूपीएससी। क्या बोलता है? यूपीएससी। अब सवाल क्या पूछा है? आयोग के सदस्यों को हटाया जाता है कौन सी अनुच्छेद के तहत? 317 के तहत। किसे? यूपीएससी के जो सदस्य होते हैं उनको हटाया जाता है, 317 के तहत हटाया जाता है। भारत में देखिए संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा चलाया जाता है? 14 नंबर प्रश्न, राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा चलाया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। भारत में आने वाला अरब यात्री कौन था जिसकी रचना 11वीं शताब्दी के भारत का दर्पण कहा जाता है? भारत का दर्पण कहा जाता है दोस्तों। प्रश्न कितना अच्छा है, और उससे भी अच्छा प्रश्न परीक्षा के आने लायक है। इसका राइट आंसर दोस्तों अल-बरूनी। कौन है? अल-बरूनी आपका करेक्ट आंसर है। प्रश्न को वीडियो को करेंगे लाइक, चैनल को करेंगे सब्सक्राइब, अपने दोस्तों को शेयर, फटाफट से कर लीजिए दोस्तों। तो चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर है अल-बरूनी। अगला देखेंगे, नेपाल नगर, दोस्तों नेपाल नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध? अच्छा प्रश्न है, नेपाल नगर के बारे में, कागजी अखबारी उद्योग। ऑप्शन नंबर आपका क्या है? सी, अखबारी कागजी उद्योग। ऑप्शन नंबर क्या है? सी आपका राइट आंसर है। चलिए अगला देखिए, निकट दृष्टि, दोस्तों निकट दृष्टि या मायोपिया दोष वाले व्यक्ति को किस लेंस का चश्मा? दोस्तों किस लेंस के बारे में पूछा गया है? लेंस से संबंधित पूछा गया है, और 17 नंबर प्रश्न का लेंस है अवतल लेंस। कौन सा है दोस्तों? अवतल लेंस है, ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर है। कुतुब मीनार, दोस्तों देखिए कुतुब मीनार का निर्माण, कुतुब मीनार है कहाँ? दिल्ली के अंदर है, ये ध्यान रखना। कुतुब मीनार है कहाँ? जो दिल्ली के अंदर है। अब इसका निर्माण शुरुआत किसने की थी? निर्माण तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, और पूरा कब हुआ? इस्तुल्तमिश ने पूरा करवाया था। किसने करवाया? इस्तुल्तमिश ने पूरा करवाया था। चलिए इनमें से कौन सा कथन सत्य है, बताइए जल्दी से, इनमें से कौन सा कथन सॉरी असत्य है, सत्य नहीं असत्य। पूरा प्रश्न पढ़ेंगे उसके बाद इसका राइट आंसर होगा। चलिए, राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग है, राइट है। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल, ये भी राइट आंसर है। अनुच्छेद 163 में मंत्रिपरिषद, ये भी सही है, लेकिन ये 154 के अंदर राज्यपाल है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। चलिए देखिए, किस विषय पर, देखिए सवाल क्या कह रहा है, किस विषय पर विधेयक प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की स्वीकृति नहीं होती है? क्या बात है?
राष्ट्रपति स्वीकृत नहीं करता है। 20 नंबर प्रश्न वह है संविधान संशोधन। कौन है दोस्तों? संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर। हजारों हाथियों की भूमि किसे कहा जाता है? हजारों हाथियों की भूमि किसे कहा जाता है? इसे फिनलैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? फिनलैंड, ऑप्शन नंबर आपका ए। क्या है? फिनलैंड को कहा जाता है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? हिंदू व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक के लेखक कौन? बताएंगे दोस्तों, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? क्या बात है, वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। यस, इसका राइट आंसर डॉक्टर राधा कृष्ण। क्या है? डॉक्टर एस राधा कृष्ण। चलिए देखिए, विश्वनाथ आनंद का संबंध किस खेल से है दोस्तों? विश्वनाथ आनंद का संबंध किस खेल से है? यस, शतरंज से है। किससे? शतरंज से है। यस, और आज का 24 नंबर प्रश्न, भारत में सर्वश्रेष्ठ शौर्य पुरस्कार कौन सा है? भारत में सर्वश्रेष्ठ शौर्य पुरस्कार परमवीर चक्र पुरस्कार कौन सा है? परमवीर चक्र। और आज का अंतिम प्रश्न, मानव मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करेंगे दोस्तों। और ये हमने 25 में से 25 ये प्रश्न है, और इस वीडियो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक 10 दिसंबर। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और आप हमारे व्हाट्सएप के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े 94 61 041 363 व्हाट्सएप ग्रुप, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जोड़ सकते हैं। और ये हमारी जो प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं दोस्तों, 25 प्रैक्टिस सेट, कितने पेपर सेट है? 25 पेपर सेट है। ये पेपर सेट आपके, मैं बता देता हूँ, 1 मई से शुरू होने वाले हैं, सॉरी 1 मई से नया बैच शुरू होने वाला है एसएससी एमटीएस का। अगर आपको ज्वाइन करना है तो ₹140 है परीक्षा तक का। जल्दी से जाइए, व्हाट्सएप नंबर आपके सामने दे रखा है 94 61 041 363 पे जाइए, फटाफट से जाइए और इसे ज्वाइन कीजिए। व्हाट्सएप नंबर पे, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम करके आप रजिस्ट्रेशन करवाइए। 1 मई से आपकी टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली है, और आपकी यह टेस्ट सीरीज परीक्षा से पहले कंप्लीट, प्रत्येक 5 दिन में आपका एक टेस्ट लिया जाएगा, कंप्लीट टेस्ट है। तो जुलाई के अंदर आपका एग्जाम है, जुलाई से पहले हम 25 प्रैक्टिस सेट आपके करने वाले हैं। तो जल्दी से जुड़िए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करें, अपने सुझाव देते रहे। नए वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।